ज्यादा नहीं, थोड़ी सी तो शर्म आती होगी ना। आप जानते हैं आज से हर चीज महंगी होने वाली है। आटा, दाल, चावल, यहां तक कि किसान जिन औजारों का इस्तेमाल करता है खेती के लिए, वो तक महंगा होने वाला है। मगर इस देश की मीडिया के मुंह से, इस देश की सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के मुंह से, इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं। और देश की जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें करना, वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाने चाहूंगा कि आज से महंगा क्या हो रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की वजह से आपके स्क्रीन पर अनाज, आटा, दाल, चावल, दही, पनीर, सब आज से महंगा। और कौन कितना महंगा हो रहा है वो भी मैं आपको बतलाने चाहता हूं। चावल 25 किलो मिल रहा था 1300 से 1600 रुपए, अब उसकी कीमत हो जाएगी 1400 से 1800 रुपए, यानी कि 100 रुपए से 200 रुपए महंगा। अब बात करते हैं दोस्तों आटा की। आटा की अभी कीमत 20 केजी आटा की कीमत 600 रुपए बताई जा रही है, अब उसकी कीमत हो जाएगी 630 से 650 रुपए, यानी कि महंगाई कितनी, 30 रुपए से 50 रुपए। मैदा की बात करें तो 80 रुपए कीमत थी, अब हो जाएगी कीमत 85 रुपए से 86 रुपए, यानी कि 5 रुपए महंगा। उसी तरह से सूजी और दाल दोनों में करीब 1 से 2 रुपए और 5 से 7 रुपए की बढ़ोतरी। आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका पुराना बयान याद दिलाना चाहूंगा। एक न्यूज चैनल के मंच पर आकर उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था, एक जमाने में इस देश में दूध, पनीर और बुनियादी चीजों पर टैक्स लगता था, मगर जीएसटी के बाद ये सब खत्म हो गया। प्रधानमंत्री, आपको अपना पुराना बयान याद करना होगा। आपने कहा क्या था, मैं चाहूंगा कि देश की जनता उस बात को सुने। यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। भूल गए प्रधानमंत्री आप अपनी बात। आज मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस जीएसटी के दंश की वजह से क्या क्या महंगा हो गया है, और एक एक करके ये चीज आपके स्क्रीन पर आ रही है। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि जीएसटी की वजह से आज से कौन कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दही, लस्सी और छाछ, इस पर 5% जीएसटी लग रहा है। पनीर पर 5% जीएसटी। उसी तरह से गुड़ की बात करें, उस पर करीब 5% जीएसटी। खंडसारी शक्कर, इस पर करीब 5% जीएसटी। अगर शहद की बात करें, इस पर भी 5% जीएसटी। इसके अलावा मुड़ी, चीरा, खोई, मुर्की, सब पर 5% जीएसटी। आगे चलिए साहब, गेहूं, चावल, सब पर 5% जीएसटी। यहां तक कि नारियल पानी पर करीब 12% जीएसटी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार की जेब जो है वो कैसे भारी होने वाली है, किस तरह से स्टूडेंट्स का बोझ बढ़ने वाला है, विद्यार्थियों का बोझ बढ़ने वाला है। 18 जुलाई यानी आज से एलईडी लैंप्स, इंक, चाकू, ब्लेड, पेंसिल शार्पनर्स, स्पून्स, फोक्स, इन तमाम चीजों पर 18% जीएसटी। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, प्रिंटिंग में काम आने वाली चीजें, लिखने में काम आने वाली चीजें, यहां तक कि ड्राइंग इंक, ये तमाम चीजें, इनमें से अधिकतर चीजें जो मैंने आपको बताई, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल आम विद्यार्थी कर रहा है और उस पर करीब 18% जीएसटी है। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया था। अब बिजली से चलने वाले पंप, बाईसाइकिल पंप और डेयरी मशीनरी पर 18% जीएसटी। अब मैं आपको बताता हूं कि किसानों पर किस तरह से जो है बोझ बढ़ने वाला है। आप जानते हैं दोस्तों, किसान जो हैं वो बीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, ग्रेड करने के लिए कई मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा सीरियल इंडस्ट्री में और आटा चक्की, ये तमाम चीजें जो हैं वो काम आती हैं किसानों की, मजदूरों की। इस पर लग रहा है करीब 18% जीएसटी। चेक्स बैंक जाते हैं साहब, अगर आप लूज चेक का इस्तेमाल करें या चेकबुक का इस्तेमाल करें, इस पर लग रहा है 18% जीएसटी। सोलर वाटर हीटर पर लग रहा है 12% जीएसटी। लेदर से जुड़े सामान पर लग रहा है 12% जीएसटी। यहां तक कि 1,000 रुपए प्रतिदिन का जो कमरा होगा होटल के अंदर, उस पर लग रहा है करीब 12% जीएसटी। कमरे के किराए से लेकर तमाम चीजें दोस्तों अब महंगी हो रही हैं। कि सरकार को इस बात की परवाह है? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, सरकार का टूल किट अब काम करना शुरू हो गया होगा। इनमें से अभी कई लोग आपको महंगाई के फायदे गिनाने वाले हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको याद होगा डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है, 80 को छू गया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसकी कीमत है, $1 की कीमत 79.80 रुपए। ये बढ़ जाएगी जब तक ये कार्यक्रम आएगा, वो एक अलग मुद्दा है। मगर जैसे ही डॉलर ने 80 रुपए को छुआ, तब मीडिया में से ऐसे कई छोटे छोटे चूहे सामने उभर कर आ गए जो इसके फायदे गिनाने लगे। कायदे से इन तमाम सरकारी चाटुकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पुराने बयान की याद दिलानी चाहिए थी। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो विपक्ष में हुआ करते थे, जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती थी, तब वो किस तरह से बताते थे कि व्यापारियों को कितना नुकसान होगा। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा, हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। इनमें से किसी भी चाटुकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुराने बयान की याद नहीं दिलाई जो अभी अभी मैंने आपको सुनाई है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से जीएसटी लगा इन सामानों पर, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोग इसके भी फायदे गिनाएंगे। कितने शर्म की बात है। हकीकत यह दोस्तों, इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। आज सुबह देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वो देश को कहते हैं कि भाई संसद को सुचारू ढंग से चलाना चाहिए, इसमें सार्थक बहस होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री, मैं बहुत ही सलीके से सम्मान के साथ आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। क्योंकि विपक्ष के हाथ पांव काटने की कसर आपने कोई नहीं छोड़ी है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो। बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। आप जानते हैं जब उन्होंने पत्रकारों से बात कर ली, उसके बाद पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब तक नहीं दिया उन्होंने। भाई जब आप देश की जनता से ये अपील कर रहे हैं या सांसदों से अपील कर रहे हैं कि संसद की कार्रवाई ढंग से हो, तो उसके बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब तो दीजिए। वैसे तो किसी भी पत्रकार में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ पाता, वो एक अलग मुद्दा है। मगर कायदे से उन्हें कई सवालों के जवाब देने चाहिए जो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय ने पूरी एक लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट के मुताबिक अतीत में हमने कुछ शब्दों पर पाबंदी लगाई थी और आने वाले दिनों में भी उन शब्दों पर पाबंदी हो सकती है। कौन कौन से शब्द हैं वो? जुमलाजीवी, भ्रष्ट, अक्षम, ऐसे कई शब्दों पर पाबंदी लगा दी गई है। यह नहीं बतलाया गया किस संदर्भ में लगाई गई है। यहां तक कि अमर उजाला की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप लोकसभा के चेयर या राज्यसभा के अध्यक्ष के किसी कार्रवाई के खिलाफ भी विरोध करते हैं तो उसे भी असंसदीय माना जाएगा। विपक्ष के आप हाथ पांव काट दें प्रधानमंत्री, और फिर आप यह कहें कि संसद के अंदर सुचारू ढंग से चर्चा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपकी जवाबदेही कहां है? ना आप जरूरी चीजों पर जीएसटी की मार को लेकर सवालों का जवाब देते हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए गिर रहा है उन सवालों के जवाब भी नहीं देते हैं। संसद के अंदर किस तरह से विपक्ष पर अंकुश लगाया जा रहा है आप उन सवालों का जवाब भी नहीं देते हैं, और फिर आप सांसदों से ये उम्मीद करते हैं कि वो सकारात्मक चर्चा करेंगे। ये कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री, जरा मुझे समझाने का प्रयास करें। ये कौन सी सोच है जो आपको लोकतांत्रिक दिखाई देती है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके आचरण में, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के आचरण में लोकतंत्र कहां है, लोकतांत्रिक मूल्य कहां है? इन सवालों से मत बचिए प्रधानमंत्री। जो आज मैं आपके सामने मुद्दे रख रहा हूं इसमें देश की भलाई है, इसमें आपके अपनी छवि की भलाई है। अगर आप इन सवालों से बचते जाएंगे तो इससे आपकी छवि बेहतर नहीं होगी। आपको इतिहास पुरुष के तौर पर याद नहीं रखा जाएगा। आज मैं मानता हूं कि पूरी व्यवस्था आपके हाथ में है, मगर एक दिन आएगा जब हर बात की जवाबदेही होगी। तब क्या होगा प्रधानमंत्री, जब व्यवस्था आपके नियंत्रण में नहीं होगी तब क्या होगा? मैं आपसे दो और सवाल पूछना चाहता हूं, और इन दोनों का ताल्लुक इस देश के युवा के साथ है। आप एक अग्निवीर योजना लेकर आते हैं, आप वो योजना लेकर आ गए, मगर आपने पुरानी भर्तियां बंद कर दी। अब सेना के अंदर जो स्थायी भर्तियां हैं ना, उसका रास्ता बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। जो लोग अग्निवीर योजना से बाहर निकलेंगे, चार में से तीन बेरोजगार होंगे। इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। आपका प्रचार तंत्र कहता है कि अग्निवीर योजना के जरिए सिर्फ कुछ लोगों की भर्ती होगी, अधिकतर लोगों की भर्ती जो है वो स्थायी योजना के अंतर्गत होगी। मगर सीधा सा सवाल, सेना में भर्ती को लेकर जो स्थायी योजना है, जिन्हें परमानेंट नौकरियां मिल रही थी, उनकी भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं? और इन्हीं मुद्दों को आज संसद में विपक्ष ने उठाया, और फिर आपकी सरकार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि तमाम कॉलेजेस के लिए डिग्री के लिए एक परीक्षा, मगर उसको लेकर भी आपने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। मसलन, प्रशासन, सरकार और जो लोग एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनकी नाकामियों के चलते आखिरी मौके पर कई लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर बदल गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि कई लोग, कई विद्यार्थी एग्जाम नहीं दे पाए। बात यहां नहीं रुकी, आप एक नई योजना लेकर आ गए हैं, मगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उसके चलते अब देश के अंदर एक नया कोचिंग माफिया जन्म लेगा। यानी कि जो विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज की भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास आर्ट्स है 11th और 12th, उन्हें CUET का एग्जाम देने के लिए कोचिंग क्लासेस की शरण में आना पड़ेगा। गरीब आदमी क्या करेगा, गांव में रहने वाला इंसान क्या करेगा, क्योंकि गांव में तो कोचिंग क्लासेस भी नहीं होते। मध्यम वर्गीय परिवार के कंधे पर एक अतिरिक्त बोझ, क्योंकि इसके जरिए अब कोचिंग माफिया बढ़ जाएगा। जो तमाम सवालात मैं आपके सामने रख रहा हूं, चाहे अग्निवीर योजना को लेकर हो, चाहे CUET को लेकर हो, इन सवालों के जवाब कौन देगा प्रधानमंत्री? ये एक तरफा संवाद आप कब तक करते रहेंगे? कभी तो इस पर फुल स्टॉप लगना होगा।
कभी तो आप मेरे सवालों का भी जवाब देंगे, कभी तो आप इस देश के नागरिक के सवालों का भी जवाब देंगे। हालांकि मुझे लगता है कि आपने इतनी खूबसूरती से, इतनी चतुराई से उसका ब्रेन वॉश कर दिया है, उसे ये समझा समझा के कि हिंदू खतरे में है, अगर मैं चला गया तो मुगलों का राज हो जाएगा, इसलिए वो ये सवाल ही नहीं पूछता। वो इस बात को लेकर खुश है कि आपने मुसलमान का इलाज कर दिया। अब कोई ये सवाल नहीं पूछता कि कहां गया सर्वधर्म संभाव, कहां गया सबका साथ सबका विकास। ये सवाल है प्रधानमंत्री, इनसे बचा नहीं जा सकता। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एक वन वे स्ट्रीट नहीं है, यानी कि यहां पर दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है, सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलता है। अगर आप अपनी बात कहेंगे और अगर मुझे आपकी बात पर आपत्ति है तो पलट कर मैं आपसे सवाल भी पूछ सकता हूं, यह मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और यह आप मुझसे नहीं छीन सकते। बात समझ आई? नमस्कार।